दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसे का ढंग से यूज करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास पैसे रहे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और घर वालों से पैसे मांगने की नौबत ना आए। ये सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे कैसे सेव करें, इन्वेस्ट कैसे करें, रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे हर जगह नई नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियल फ्री हो गया। और ये सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि क्या करें। तो आखिर क्या करें, रिटायरमेंट लेने के लिए 60 साल का वेट करें या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें? और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करें? और ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और जब वो अपने बटुए में देखता है तो उसे लगता है कि वो तो केवल 20,000 से 30,000 कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो डोंट वरी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप कई सालों से पैसे कमा रहे हो बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियल फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है, वेल आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इंपोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का 15,000 इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 साल की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, उन्हें सिर्फ 10 से 12 साल का बच्चा बड़ी आसानी से समझ सकता है। लेसन नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है कुछ खरीद लेते हैं, नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी और अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसे सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। वेल, जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि आप उस चीज को दोबारा खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को दोबारा कैश में खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। जब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, दो बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है? वेल, अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को दो बार खरीद सकते हो तो वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे, उसकी प्राइस क्या होती होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2023 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जाते हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये आता है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात ये है कि जो भी चीजें खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको दो बार खरीद नहीं सकते तो स्किप इट। ऐसे चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप दो बार अफोर्ड कर सकते हो। लेसन नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर उन पैसों को FD करा देनी चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए बहुत सारे YouTube वीडियोस मिल जाएंगे या फिर बुक में आप पढ़ सकते हो आखिर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो तो वो आपको ऑन एन एवरेज 30% का रिटर्न इजीली दे सकता है और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इस 13% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट होगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। वेल, इसका आंसर है
नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2 से 3 सालों तक नहीं बढ़ता या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, और हम लोगों के अंदर में पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग पैसा लगाए और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसकी किस्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और फिर लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बातें दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3 से 4 सालों में जरूरत पड़ने वाली ना हो। अगर आपको 1 से 2 सालों में गाड़ी लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे पैसों की आप FD ही करवा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ऐसे इन्वेस्टिंग के ऐप मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और पॉइंट ये आता है कि चलो हम अगले 2 से 3 सालों में हमें किसी भी पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? वेल, इससे भी पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जैसे कि इसका नाम ही है इमरजेंसी, यानी कि ऐसे सिचुएशन जिसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। जैसे आप तो ये सोचकर बैठे थे कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेव है तो अब इन्हें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्च है उसके अकॉर्डिंग जैसे 12 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। लेसन नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलते रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है और ना ही बॉस के ताने सुनने हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा चला जाऊँ और वहाँ पर आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूँ और इंजॉय करूँ। दोस्तों, अब गोवा जाकर बियर मत पीना, गुड हैबिट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेल, सबसे पहले तो हमें रिटायर की डिफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 साल के एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठकर रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डिफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 महीना 2 महीना 6 महीना, लेकिन उसके बाद फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब ये है कि आपको पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोजाना आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है, अगर आप जॉब पर नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वेल, ये भी जरूरी नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा कमाते हो या कम। मान लो कि आप 1 साल का 1 करोड़ कमाते हो बट आपका खर्च 1 करोड़ है, तो इसका मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया, आपने कुछ भी सेव नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप 1 महीने का 20,000 भी कमाते हो तो बट आप उसमें से 5,000 भी सेव कर लेते हो तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वो 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वो बैंक करप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। चलिए वीडियो के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए, अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ, आप इससे भी ज्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपए सैलरी लेते हैं, अगर आप 30,000 का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000, आई एम श्योर कि आप मुझसे ये एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो मान लेते हैं आप 15,000 रुपए बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इन इंडेक्स फंड में, तो आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 रुपए 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1.71 करोड़। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब यहाँ पर आप अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो सेव ज्यादा कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.71 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिया, अब आप कहोगे कि अब मैं इसको खर्च करने लगा
लगा तो कभी ना कभी ये पैसा तो खत्म होने वाला है, और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो भी बढ़ता जाता है, महंगाई भी बढ़ती जाती है। ये पैसे तो अभी ठीक लगते हैं, बट क्या बाद में इतना इनफ रहेगा? वेल, इसे समझने के लिए एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7-8% का रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने पैसे को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13-8=5%, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ है, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉल करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1.71 करोड़ का 4% होगा 6,48,000 रूपए, तो महीने का हुआ 57,000 रूपए। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने में आप 57,000 रूपए खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% खर्चे करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर आप 50% हर महीने सेव करके इन्वेस्ट करते हो, तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहो वैसा काम करो, जब चाहो तब काम करो, तब आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहां पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपने चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% का रूल यूज करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।